वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचे जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इस मौके पर इन्हें हुकूमती अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। वो और उनकी अहलिया बुशरा इमरान ने हुकूमत की जानब से फराहम करदा रहाइश का भी दौरा किया। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सादगी की मिसाल भी कायम की है। इमरान खान और उनकी अहलिया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी की रहाइश गाह में रहेंगे। नई रहाइश गाह सिर्फ दो कमरों पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक वो रहाइश में सादगी इख्तियार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलिट्री सेक्रेटरी की रहाइश गाह को बंगला नंबर एक कहा जाता है। हलफ बरदारी की तकरीब में इमरान खान ने जो शेरवानी पहनी वो भी एक आम दर्जी से सिलवाई गई थी। तकरीब में मधु मेहमानों और अशराफिया की सिर्फ चाय बिस्कुट से तवाज़ा की गई, जबकि इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कई डिशेज़ पर मुश्तमिल पुरतकल्लुफ़ दावत का अहतमाम किया जाता था। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने अवाम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, आज मैं खुश नहीं डरी हुई हूँ, अल्लाह पाक ने हम पर बहुत जिम्मेदारी डाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है कि जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मेहमानों को जो उनकी खातर तवाज़ो वही लाखों में हो जाती है, तो ये इमरान खान के बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।